नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो 0 से 6 महीने के बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको मॉड्यूल नंबर 1 में कि गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। मॉड्यूल नंबर 2 में आपको बताया था कि स्तनपान कराने वाली माताओं को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मॉड्यूल नंबर 3 में कि 0 से 6 महीने के बच्चे का कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन के और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जो यहाँ पे मैं हम लोग ने रजिस्ट्रेशन किया था, यहाँ पे बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें गलती कर रही हैं कि इसमें जो 0 से 6 महीने के बच्चे हैं उसमें अलग से एंट्री कर दे रही हैं, तो इसमें वैसा नहीं करना है। यहाँ पर हम लोगों ने 0 से 6 महीने बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन किया है, जन्म तिथि और सारा चीज़ यहाँ पर भरा है, वही यहाँ पर भी भरना है। तो कैसे भरना है चलिए मैं आपको यहाँ पे सारा चीज़ जानकारी भर के दिखाता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 0 से 6 महीने वाले बच्चे का कैटेगरी का ऑप्शन क्लिक करके ओपन कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई रिकॉर्ड अभी भरा नहीं गया है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड मैं आपको भर के दिखाऊँगा। तो चलिए हम लोग रिकॉर्ड भरते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लाभार्थी का नाम लिखेंगे और यहाँ पे लाभार्थी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आधार संख्या डालेंगे। यहाँ पे आधार संख्या सिर्फ बच्चे का ही डालेंगे, उसके माता पिता का नहीं डालेंगे। आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा कि बच्चे का ही आधार कार्ड डाला जाएगा, नहीं है तो छोड़ देंगे। और यहाँ पे स्वास्थ्य आईडी अगर है तो भरिए, नहीं तो इसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जन्म की तारीख डालेंगे, अगर जन्म की तारीख याद नहीं है तो सिर्फ जन्म का साल यहाँ पर डाल देंगे तो भी हो जाएगा आपका। मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके माता का नाम डालेंगे। जो हम लोग स्तनपान कराने वाली माताओं का रजिस्ट्रेशन किए थे वो भी 0 से 6 महीने वाले ही कैटेगरी में आता है, तो वही सारा जानकारी इसी में भरना है। लाभार्थी का या माता पिता का जो नंबर उसमें डाले थे वो भी डाल सकते हैं, और चाहें तो आप अलग से भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर बच्चे का वज़न भरना है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंच में और सेंटीमीटर में, यहाँ पर बच्चे का हाइट यानी कि ऊंचाई डालना है। अगर आप लोग चाहें तो इंच में डाल सकते हैं और वो सेंटीमीटर भी डाल सकते हैं, इसका मैं डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे डालना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से सारा जानकारी पहले फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाभार्थी का नाम डाल दिया है, आधार संख्या नहीं है क्योंकि ये 0 से 6 महीने का बच्चा है, तो यहाँ पर आधार संख्या उसका नहीं बना है तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। उसके बाद स्वास्थ्य आईडी भी पता नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर जन्म की तारीख डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिंक डालेंगे कि बच्चा मेल है या फीमेल है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। पिता का नाम लिखेंगे, और उसके बाद माता का नाम लिख दिए हैं। उसके बाद लाभार्थी का पिता या माता किसी का भी आधार मोबाइल नंबर डाल देंगे यहाँ पे, जो मैंने डाल दिया है। बच्चे के जन्म समय का वज़न किलोग्राम में डालना है, तो जब बच्चे का जन्म हुआ था उस टाइम उस बच्चे का कितना वज़न था उसको मैंने यहाँ पर 3.4 kg कर दिया है, 3 kg 400 g का वज़न, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को बच्चे की ऊंचाई सेंटीमीटर में भरना है तो यहाँ पे जो 18 है तो आप लोग देख सकते हैं कि 18 यानी कि एक यहाँ पे एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो अब यहाँ आप लोग क्या करेंगे कि जो बच्चे का हाइट है, बच्चे का हाइट मान लीजिए यहाँ पे मैंने 18 इंच रखा था, तो 18 × 2.54 से गुने कर देंगे तो हम लोग का इंच में सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 × 2.54 से गुना करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे 45.72 सेंटीमीटर हम लोग वहाँ पे लिख देंगे तो भी हम लोग का हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 18 लिखा है, तो अगर हम लोग सेंटीमीटर में लिखना है तो यहाँ पर हम लोग 45.72 सेंटीमीटर लिखेंगे तो भी हम लोग का यहाँ पे सारा चीज़ सबमिट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपना सेंटीमीटर इंच में जो भी निकालना है आप लोग निकाल सकते हैं। तो रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया, तो यहाँ पे रिकॉर्ड देखिए, यहाँ पे रिकॉर्ड जुड़ गया है। बाद अब देख सकते हैं कि मैंने स्तनपान कराने वाली माता का यहाँ पर एंट्री किया था, तो यहाँ पर पूजा देवी सनी पटेल जो हमने स्तनपान कराने वाली माता का एंट्री किया था, तो इसमें सारा डिटेल्स हम लोग पहले भर चुके थे, वही डिटेल्स हम लोग वहाँ पे भरे हैं। यहाँ पे डिलीवरी की तारीख डाले थे, देख सकते
स्तनपान कराने वाली माताओं का रजिस्ट्रेशन जब किए थे वही सारा डिटेल्स हमको 0 से 6 महीने वाले कैटेगरी में भरना है। तो आप लोग अलग से कोई डिटेल्स मत भरिएगा, जो आप लोग स्तनपान कराने वाली माताओं का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसी के रिकॉर्डिंग यहाँ पे भी आप लोग सारा जानकारी भरेंगे, तो इससे आप लोग का फॉर्म में कोई गलती नहीं होगा। और किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ या नाम कुछ भी गलत एंट्री हो जाता है तो आप लोग यहाँ से जाके उसको 3 डॉट है इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद यहाँ प्रोफाइल अपडेट करें, इसको प्रोफाइल अपडेट करने में जाएंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ गलत हुआ है तो आप लोग यहाँ से इसको फिर से चेंज करके सुधार कर सकते हैं और सबमिट करेंगे तो उसका डेट ऑफ बर्थ सबमिट हो जाएगा। और अगर इस बच्चे का 0 से 6 महीने का हो जाएगा इस लिस्ट में से नाम हटाना है तो आप लोग फिर से प्रोफाइल अपडेट करने पे जाएंगे और इस बच्चे के जगह पे फिर से नए वाले बच्चे का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ सारा चीज़ उस बच्चे का डालेंगे तो इस बच्चे का यहाँ से एंट्री हट जाएगा और फिर से नए वाले बच्चे का एंट्री करेंगे उस बच्चे का यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। जानकारी आपको बता दिया है, अगर आप लोग को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।